सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। 1971 का समय था, पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को उनका प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं था। और उस समय पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान पर काफी ज्यादा जुल्म किया करते थे। फिर पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति बहिनी नामक सेना का उद्भव होता है। मुक्ति बहिनी और पाकिस्तान आर्मी के बीच ना काफी लंबा संघर्ष चल रहा था। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायु सेना के 11 स्टेशनों पर हमला कर दिया। फिर क्या था, इसी के साथ भारतीय सेना भी ना युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। और इस युद्ध का अंत 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी के ढाका समर्पण और बांग्लादेश के उद्भव के साथ हुआ। लेकिन इस युद्ध में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच ना काफी लंबा युद्ध चला, और इस युद्ध में युद्धवीर बनकर उभरे भैरव सिंह राठौर। भैरव सिंह राठौर का जन्म 1941 में जोधपुर जिले के सोलंकिया तला गांव में हुआ था। उनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। भैरव सिंह राठौर बचपन से ही ना बहुत हट्टे कट्टे, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान चरित्र के व्यक्ति थे। भैरव सिंह राठौर जब बड़े हुए तो वो दिखने में ना बहुत ही अच्छे थे। उनको देखकर जोधपुर की लड़कियां कहती थी, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, दूर से देखे तो लगे दिलीप कुमार। भैरव सिंह राठौर का विवाह प्रेम कन्वर नामक लड़की से हुआ, जिससे ना उनको एक बेटा सवाई सिंह हुआ। 1963 में भैरव सिंह राठौर ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग के कुछ 7 साल बाद पाकिस्तान का ना भारत के हवाई अड्डे पर हमला हुआ। भैरव सिंह राठौर उस समय लासनायक के तौर पर कार्यरत थे। पाकिस्तानी सैनिकों की ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट ने हमला कर दिया। कोई तत्काल सपोर्ट मुमकिन नहीं था, तो सैनिकों को पीछे हटने के लिए ना कहा गया। वो नहीं माने और 125-126 जवान ना 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंक रेजिमेंट की पूरी कंपनी से ना भिड़ गए। भारत माता की जय, जय भवानी, जय घोष के साथ में भारतीय सेना ने युद्ध आरंभ किया। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। रात का समय हो गया था, अब समझ में नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहां पर छिपा बैठा है। लेकिन फायरिंग ना अभी तक हो ही रही थी। जहां पाकिस्तानी अपनी पूरी सेना और पूरी ताकत के साथ आए थे, वहां भारतीय सैनिक नाम मात्र के ही थे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। लगातार दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि कितने पाकिस्तानी सैनिक मरे और कितने भारतीय। लेकिन इतना तो अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान को आसानी से जीत नहीं मिलने वाली है। इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना को न कई सारे टैंक, हथियार और रात में मार सकने वाले लड़ाकू विमान दिए थे, जबकि भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान केवल दिन में ही हमला करने में सक्षम था। अमेरिका ने पाकिस्तान सेना को ना उस समय की सबसे बड़ी पनडुब्बी मिसाइल गाजी दी थी, जिसको मौत का ना दूसरा रूप माना जाता था। 1971 के युद्ध के समय भारत की सबसे बड़ी विमान वाहक पोत INS विक्रांत थी, जिसे मारने के लिए ना पाकिस्तानी सेना ने विश्व की सबसे बड़ी लड़ाकू पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा था, जिसे INS विक्रांत के पास पहुंचने से पहले ही INS राजपूत ने ना डुबा दिया था। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना पाकिस्तानी नौसेना और PMS गाजी से लड़ रही थी, वहीं भारतीय आर्मी की ना छोटी सी टुकड़ी लुंगीवाला में पाकिस्तानी आर्मी से युद्ध कर रही थी। थार के रेगिस्तान में लोंगेवाला पोस्ट पर धीरे धीरे पाकिस्तान और भारतीय आर्मी दोनों की हालत ना गंभीर होती चली गई। जहां पाकिस्तानी आर्मी लगातार अमेरिका द्वारा दिए गए बम वर्षक विमानों से भारतीय टैंकरों को ब्लास्ट कर रही थी, लगातार हो रही बमों की बारिश की वजह से ना भारतीय सेना के पास नाम मात्र के सैनिक और टैंक ही शेष रह गए थे। पाकिस्तानी आर्मी का हौसला ना पूरी तरह से पस्त हो गया था। भारतीय सैनिकों के ऐसे पराक्रम को देख कर ना आधे से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक तो भाग ही खड़े हुए थे। धीरे धीरे सुबह का समय नजदीक आ रहा था और भारतीय वायुसेना ना अपने विमान तैयार कर रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने युद्ध में अपने लड़ाकू विमान उतार दिए। अब पाकिस्तान की बची कुची सेना भी ना धाराशाही हो गई और थार के रेगिस्तान में बने लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय झंडा फिर से लहराने लगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि जब भारतीय सेना के पास केवल एक ही ग्रेनेड बचा था, तो भारतीय सेना के नायक भैरव सिंह राठौर जी ना अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां खाते हुए पाकिस्तानी टैंक पर जाकर कूद गए। लेकिन भारतीय सेना की ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो भैरव सिंह राठौर जी ना उस युद्ध में शहादत को प्राप्त नहीं हुए थे। भैरव सिंह राठौर के अदम्य साहस और वीरता को देखते हुए 1972 में उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद 1987 में ना भैरव सिंह जी रिटायर हुए।
दिल की लंबी बीमारी के चलते 18 दिसंबर 2022 को ना उनको एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 20 दिसंबर 2022 को भारत के इस महावीर ने अपनी आखिरी सांसें ली। ऐसे ही कुछ स्टोरी ब्लैक टाइगर मूवी में आ सकती है। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।